Hello friends, welcome to my channel. I hope you all are fine. तो friends, अभी तक मैंने जितने भी videos बनाए हैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को वो पसंद आ रहे होंगे. Friends, मैंने अपने बहुत से पहले के videos जो थे उनमें meditation के बारे में बताया था कि meditation हम क्यों करते हैं और इसके क्या benefits हैं. Friends, मेडिटेशन जो होता है वह आपको फोकस, चीज़ों को फोकस करने में हेल्प करता है. दूसरा, आपकी जो स्ट्रेस भरी लाइफ जो चल रही होती है, जो कि एक आम बात हो गई है आजकल की हमारी भागती दौड़ती ज़िंदगी में, तो उसमें ये हमें बहुत ही रिलीफ देता है. यदि हम मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं. मेडिटेशन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे स्टडी में फोकस करने में आपको हेल्प मिलेगी. तो फ्रेंड्स, मेडिटेशन बहुत ही तरीके से की जाती है और मेडिटेशन कैसे की जाती है इसके मैंने पहले अपने जो मेरे वीडियोस हैं उसमें बताया है. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूँगी, आप उसमें से जाकर देख सकते हैं. पर फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो है कि मेडिटेशन के हम अंतर्गत हम कमल मुद्रा होती है, कमल मुद्रा के क्या फायदे होते हैं और ये क्यों की जाती है. तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आने वाले न्यू वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को सिर्फ एक बार प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी न्यू मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए. तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अंत तक देखिए ताकि आप ये जान पाएं कि लोटस मुद्रा क्या है, ये क्यों की जाती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं. तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कमल मुद्रा या लोटस मुद्रा हम क्यों करते हैं. देखिए, मेडिटेशन हम बहुत ही तरीके से करते हैं. कोई मेडिटेशन योगा के द्वारा करता है और कोई एक्सरसाइजेस के द्वारा. तो मेडिटेशन के अंतर्गत हम जो भी मुद्रा में बैठे होते हैं, जो भी आरामदायक मुद्रा होती है, हम उसमें बैठते हैं और मेडिटेशन करते हैं. तो मैं उसी मुद्रा में आप बैठकर इस कमल मुद्रा को कर सकते हैं. इसे करने के लिए मैं आपको बाद में बताती हूँ, पर ये क्यों की जाती है. ये इसलिए की जाती है कि कमल मुद्रा के द्वारा, कमल मुद्रा फ्रेंड्स, कमल को यानी लोटस को हमारे हिंदू शास्त्रों में, हमारी हिंदू सभ्यता में बहुत ही पवित्र माना गया है. कमल का फूल एक ऐसा फूल होता है जो कि तालाब, जो कि कीचड़ से भरा हुआ होता है, उसके अंदर खिलता है, जो कि पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. हमारी जो धन की देवी है लक्ष्मी जी, उनको ये अति प्रिय होता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, बहुत ही ज़्यादा इस फूल को पवित्र माना जाता है. और लोटस मुद्रा का भी यही बेनिफिट होता है यदि हम इसे करते हैं तो. लोटस मुद्रा या पद्मा मुद्रा या कमल मुद्रा, लोटस एक बहुत ही पवित्र फूल माना जाता है. लोटस मुद्रा करने का बेनिफिट ये होता है कि ये जो हमारा हार्ट जो चक्र होता है उसे ओपन करता है, उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को संचार करता है, उसके अंदर जो हमारी जो नेगेटिविटी होती है उसे दूर करता है, हमारे अंदर प्यार, स्नेह, प्योरिटी, पवित्रता, इसका हमारे अंदर, इसका प्रयोग करने से, इस मुद्रा का प्रयोग करने से संचार होता है, हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है.
और ये मुद्रा बहुत ही आसान मुद्रा है, इसे आप मेडिटेशन करते वक्त जरूर कीजिए। इसका आपको रेगुलरली करने से बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारे हार्ट चक्र को खोलता है, हमें एक अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी देता है। कमल जो है जिस तरह से पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस मुद्रा को मेडिटेशन में किया। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये मुद्रा किस तरह से की जाती है। मेडिटेशन के टाइम पर आप जिस भी मुद्रा में बैठते हैं, पद्मासन में बैठिए या रिलैक्स होके जिस भी तरह से आप बैठते हैं, उसी मुद्रा में आप अपने हार्ट के सामने अपने दोनों हैंड्स को लाइए, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, एंड प्लीज इसको क्लोज पे लाइए। थोड़ा सा इस तरह से आपकी जो लिटिल फिंगर है इसको आप ऐसे मिलाइए और आपके थंब को मिलाइए, और एक ऐसे खिलता हुआ फूल जिस तरह से होता है उस तरह से आपके हैंड की पोस्चर होना चाहिए। थंब को मिलाइए और लिटिल आपकी जो फिंगर होती है उसको मिलाइए, और इस तरह से जैसे कि एक खिला हुआ फूल हम दिखाते हैं उस तरह से ये आप मुद्रा कीजिए। और इसे आप बिल्कुल मेडिटेशन करते समय अपने हार्ट के सामने ऐसे रखिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए और बिल्कुल मन आपका बिल्कुल शांत होना चाहिए। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को फील मत कीजिए, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाइए और इस मुद्रा को आप 5 या 10 मिनट तक कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस मुद्रा के द्वारा आप अपने अंदर प्यार, स्नेह, दयालुता की भावना जो होती है हमारी, वो आप इसके अंदर महसूस करेंगे। और ये मेडिटेशन के दौरान ही की जा सकती है, तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीपिका मेडिटेशन पावर। कीप स्माइल, स्टे फिट एंड सेव वाटर।